हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाएंगे हम दो चीजों के ऊपर। एक तो ओवर डिमांड आई हुई है हमारे पास, बार बार कमेंट्स, बार बार मैसेज, बार बार कॉल कि सर एक बुलेट के ऊपर वीडियो बना दीजिए। आज की जो वीडियो रहेगी टोटली बुलेट बाइक के ऊपर रहेगी। कौन सा मॉडल बुलेट है, कितने पैसे की हम सेल करेंगे, क्या कंडीशन है, कहाँ से पेंट है, कहाँ से पेंट नहीं है, टोटली इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। और आज दूसरा टॉपिक जो मेरा रहेगा वो रहेगा सर्विस से रिगार्डिंग, कि जब आप अपनी पुरानी बाइक की सर्विस कहीं पे कराते हो तो आपसे मिस्त्री क्या चार्ज लेता है, क्या चार्ज नहीं लेता है। बाकी मैंने एक ऑफर निकाला है, 31 दिसंबर तक जो भी भाई हमारे पास से सर्विस कराएगा उसको सिर्फ हमें ऑयल के पैसे पे करने हैं। जिस ब्रांडेड कंपनी का ऑयल आप डलवाना चाहते हो सिर्फ उस कंपनी के ऑयल के पैसे आपने पे करने हैं। इसके अलावा सारा लेबर कॉस्ट बिल्कुल फ्री रहेगा। मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए, 350-400 रुपए से ऊपर कोई भी कंपनी का तेल नहीं आता है। इतने रुपए में ही आपकी बाइक की सर्विस हम करके देंगे, हरिदास मोटर्स। एक बार ब्रांड और लोकेशन का नाम नोट कर लीजिए, हरिदास मोटर्स, छोटूराम चौक, गोहाना रोड, सोनीपत, नियर पुलिस लाइन, सोनीपत, हरियाणा हमारी स्टेट है, दिल्ली के पास पड़ता है। ठीक है गाइज, अब आपको दिखाता हूँ बुलेट की बुलेट कैसी है, क्या कंडीशन है, क्या कुछ रिपोर्ट है। अब सीधी वीडियो बुलेट के पास ही आएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज आपके लिए बुलेट लेके आया हूँ, बुलेट का रिव्यू दे रहा हूँ। एक बार बुलेट को देख लीजिए। आज का जो वीडियो बना रहे हैं वो आउटडोर में बना रहे हैं क्योंकि शोरूम के अंदर गैदरिंग है, बहुत ज़्यादा शोर था, वीडियो में इंटरप्रेट हो रहा था, इसके लिए बाहर आए हैं वीडियो दिखाने के लिए। एक बार आप चेकआउट वीडियो देख लीजिए कि कैसी है बाइक। चेकआउट वीडियो आपने देख लिया है कि बाइक बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। 2015 मॉडल बुलेट है, जिस कस्टमर के पास थी उसने 30,000 किलोमीटर चली हुई है, 30,100 कुछ समथिंग चली हुई है, एक्यूरेट तो हमें भी याद नहीं रहता। टायर की कंडीशन अच्छी है, अलॉय व्हील के अंदर है। एक इसकी बफिंग होनी है, पॉलिशिंग होनी है, वॉशिंग होनी है, देन इसके बाद इसको अपने शोरूम की डिस्प्ले में लगा देंगे। डिस्प्ले में लगने के बाद ये सेल आउट के लिए रेडी हो जाएगी, एक या दो दिन के अंदर ये सेल आउट हो जाएगी। हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक ये सेल आउट भी हो गई हो। आप एक बार इंस्टाग्राम पे हमसे कंफर्म कर लीजिए कि ये सर सेल आउट हुई है या नहीं हुई है। अगर आप इस बाइक के ऊपर लोन कराना चाहते हो तो एक आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आइए, इस बाइक के ऊपर मैं आपका लोन भी कर दूंगा। 20 से 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट के अंदर इस बाइक को हम छोड़ देंगे, बाकी के पैसे आप किस्तों में दे दीजिए। आपका हरियाणा का रेजिडेंस होना ज़रूरी है लोन कराने के लिए, दिल्ली का भी चल जाएगा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के अलावा कहीं का होगा तो मैं लोन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ कैश डिलीवरी दे पाऊंगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं 10,000 रुपये में बाइक के सेल करता हूं, लोन कर देता हूं। ये बाइक थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा इन सेंस 2 लाख रुपये का नया आता है, इसके लिए इसकी डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बाकी डिपेंड आपके सिबिल स्कोर के ऊपर करता है, अगर आपका सिबिल स्कोर 750-750 से ऊपर होगा तो मैं इसको कम प्राइस के अंदर भी डाउन पेमेंट में दे दूंगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ 5,000 रुपये के ऊपर व्हीकल छोड़ देते हैं, डाउन पेमेंट के अंदर दे देते हैं। बाकी आपको सर्विस की स्कीम हमारी पता ही है, 6 सर्विस हम फ्री देते हैं। जो भी बाइक हमसे कोई खरीदता है उसकी 6 सर्विस फ्री देते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा बाइक की डिटेलिंग के बारे में, बात करते हैं कि बाइक में कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं। बाइक ऑलमोस्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, एक इसके सिर्फ स्टैंड का स्प्रिंग डलना है, जो भी हमने ली है। मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, जो भी इसमें कमी है वो आपको एक्यूरेट बताएंगे। एक इसकी बफिंग होनी है, पूरी बाइक को बफिंग करा जाएगा, बफ किया जाता है, इसमें शाइनिंग आ जाएगी, जो मेटल का पार्ट है वो बिल्कुल चमचमाता हुआ मिलेगा। एक इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं, मे बी चेंज होंगे या मे बी इनको हम बफ करके देखेंगे। अगर बफ होने से ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर हमको उनको पार्ट को चेंज करना पड़ेगा तो चेंज भी कर देते हैं। अगर कोई माइनर पार्ट ख़राब है तो उसको हाथों हाथ चेंज करके ही आपको डिलीवरी देंगे। बाइक बहुत अच्छी है, इंजन साउंड बिल्कुल नए जैसा है, आप चला के देखिए। BS4 गाड़ी है, BS6 गाड़ी के अंदर आपको इंजन में साउंड नहीं आएगा, और जब तक बुलेट के अंदर दुख दुख का साउंड नहीं आए तो वो बुलेट नहीं मानी जाती। हमारे यहाँ पे मोस्टली आदमी ऐसी बाइक को चलाना पसंद करते हैं। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपने अपने बुलेट का साइलेंसर चेंज कर रखा है या नहीं कर रखा है। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतर बेहतर वीडियो आने वाली है, हर बाइक की अलग से वीडियो बना के डालेंगे, जो आपकी डिमांड रहेगी उसकी डालेंगे। अभी रिसेंटली जो डिमांड आई थी वो बुलेट की आई थी, इसीलिए बुलेट का वीडियो दे रहे हैं।